हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान घी के दीपक जलाने का एक बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी पूजा बगैर दीपक जलाए संपन्न नहीं मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो दीपक आप देवताओं के सामने जलाते हैं, आप सही दीपक जला रहे हैं या कहीं गलती से भगवान के सामने आप गलत दीपक जला रहे हैं? दरअसल हिंदू धर्म में दीपक का अपना एक खास महत्व होता है और पूजा के दौरान लोग घरों में घी के दिए जलाते हैं और इसमें कई लोग लंबी बाती का इस्तेमाल करते हैं तो कई लोग गोल बाती का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको यह जान लेना चाहिए कि हर देवता के सामने गोल बाती का दीपक जलाना शुभ नहीं माना जाता है। ठीक उसी तरह से लंबा बाती का दीप जो भोलेनाथ के आगे नहीं चलाना चाहिए, बट वृक्ष के नीचे विष्णु भगवान की पूजा अगर हो रही है तो उसमें भी नहीं जलावे। ये सब स्थानों में थोड़ा गोल बत्ती का जलावे तो अत्यधिक लाभ मिलता है, अन्यथा थोड़ा सारी रूप से कष्ट होता है, रोग की वृद्धि होती है। इस कारण लोग लंबे बाती का दीप नहीं जलाना चाहिए। क्या मान्यता है दीपक जो जलाया जाता है भगवान के आगे, उसकी मान्यता क्या है, क्यों जलाना चाहिए लोगों को भगवान के आगे? दीप जलाने से प्रकाशमान, जिस प्रकार दीप में प्रकाश की निकलता उस प्रकार लोग कामना करते हैं, किसी प्रकार हमारा जीवन दीप के जल से ही जैसा प्रकाशमान होते रहे, प्रकाशित होते रहे, हमारे परिवार फलते फूलते रहे, इसी का यह द्योतक है। दीप के जैसा हम लोग हमारे परिवार उज्जवलित हो। कहा जाता है कि गोल बाती का दीपक बहुत ही खास होता है। इसकी बाती छोटी और गोल होती है। आम भाषा में इसे फूल बाती का दीपक भी कहा जाता है और इसे जलाने से घर में स्थिरता और संपन्नता आती है। इसे पूजा के समय जलाने से घर में सुख समृद्धि और वैभव आता है। लेकिन गोल बाती का दीपक केवल भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु, पीपल और वट वृक्ष के आगे ही जलाना चाहिए। इन देवताओं के सामने भूलकर भी लंबे बाती का दीपक नहीं जलाना चाहिए। इसके अलावे कई ऐसे देवता हैं जिनके आगे केवल लंबा बाती का ही दीपक जलाना चाहिए। जमुई से लोकल 18 के लिए गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।